अब हम इस एक्सपेरिमेंट में जो रिले इस्तेमाल करने वाले हैं उसकी जानकारी लेंगे। मैंने इस रिले का इस्तेमाल किया है। यह एक 5 वोल्ट सिंगल चैनल ऑप्टिकली आइसोलेटेड रिले है और इसके बगल वाला रिले भी 5 वोल्ट सिंगल चैनल है, लेकिन यह ऑप्टिकली आइसोलेटेड नहीं है। आपके रिले के बोर्ड पर ऑप्टो कपलर की आईसी यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आपने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो इस पर आपको इसका सीरियल नंबर दिखाई देगा। ये लेज़र प्रिंटेड होता है। मेरी आईसी पर FL817C लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और मेरे 2 चैनल रिले पर भी यही सीरियल नंबर के आईसीज दिखाई दे रहे हैं और 4 चैनल रिले के ऊपर भी इसी तरह की लेकिन दूसरे सीरीज की आईसीज लगी हुई हैं। इस पर DP817C वाली 4 आईसीज लगी हुई हैं। सादा रिले और ऑप्टो कपलर रिले में आपको एक और फर्क दिखाई देगा। VCC, VIN और ग्राउंड के पिनों के अलावा आपको JD-VCC नाम की एक पिन भी दिखाई देगी। यह JD-VCC वाली पिन सादे रिले में नहीं होती। रिले खरीदते समय आप ऑप्टो आइसोलेटेड या ऑप्टो कपलर रिले इस नाम से सर्च करके अमेज़न पर ख़रीदें। रिले की संख्या को चैनल्स भी कहा जाता है, सिंगल चैनल, डबल चैनल और 4 चैनल्स। जितने चैनल वाला रिले होगा उतने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स उसके आउटपुट को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत हो तो आपको 8 चैनल और 16 चैनल वाले रिलेज भी आसानी से मिल जाएंगे। ये सभी रिलेज 5 वोल्ट के हैं। इन्हें हम JD-VCC को जो इनपुट देते हैं वह 5 वोल्ट का होता है। हम इन्हें 5 वोल्ट का इनपुट एक्सटर्नल ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई से देते हैं। इस रिले का आउटपुट वोल्टेज है 10 एम्पियर 250 वोल्ट्स। हम अपने घरों में जो 5 एम्पियर के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम इन रिलेज से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 15 एम्पियर करंट की क्षमता वाले बड़े विद्युत उपकरणों के लिए ये रिले नहीं चलेंगे। हर ऑप्टो आइसोलेटेड रिले के साथ एक JD-VCC की पिन दिखाई देगी। कुछ रिले मॉड्यूल्स में VCC और JD-VCC के पिनों को जम्पर से जोड़ दिया गया दिखाई देगा। इस जम्पर के होने से आप VCC के सप्लाई के साथ रिले के सर्किट को भी पावर कर सकते हैं। बिना लोड के रिले टेस्ट करने के लिए यह ठीक है, लेकिन आउटपुट पर आप कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जोड़कर देखना चाहते हैं तो इस जम्पर को हटाकर JD-VCC की पिन को ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई से 5 वोल्ट का कनेक्शन देना चाहिए। VCC को हम Arduino से सप्लाई देते हैं और JD-VCC को अलग से सप्लाई देते हैं। यह इसलिए क्योंकि ऑप्टो कपलर का डेफिनेशन यह है, एन ऑप्टो कपलर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बिटवीन 2 आइसोलेटेड सर्किट्स बाय यूजिंग लाइट। ऑप्टो आइसोलेटर्स प्रिवेंट हाई वोल्टेज फ्रॉम अफेक्टिंग द सिस्टम रिसीविंग द सिग्नल। यानि यहाँ पर 2 अलग अलग सर्किट बने हुए हैं, तो इसमें जो FL817C ऑप्टो कपलर ऐसी है इसमें एक इंफ्रारेड लाइट इमिटिंग डायोड होता है और उसके सामने एक फोटो ट्रांजिस्टर होता है। दोनों के बीच कांच लगा होता है। LED के लाइट से ट्रांजिस्टर ट्रिगर होकर दूसरा सर्किट ऑन या ऑफ होता है। इसके एक हिस्से को Arduino के VCC से सप्लाई दिया जाता है, जबकि इसके दूसरे हिस्से को, जो रिले की मैकेनिकल मूवमेंट को भी पावर करता है, उसे अलग पावर सप्लाई देना पड़ता है। इस तरह दोनों सर्किट्स अलग अलग होने से माइक्रो कंट्रोलर हाई वोल्टेज के इफ़ेक्ट से बचा रहता है।
रिले के आउटपुट वाली तीन पिनों में दो सिंबल्स दिखाई देते हैं, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड। बीच वाली पिन कॉमन की है। रिले को कनेक्ट करने के लिए हमें वायर को एक ख़ास तरह से तैयार करना पड़ेगा। तो ये है एक इलेक्ट्रिक केबल जो दो गुथे हुए वायरों से बनी है। इसके एक छोर पर एक बल्ब होल्डर है और दूसरी तरफ एक प्लग लगा हुआ है। होल्डर के लगभग एक मीटर पहले मैंने इस केबल को दो हिस्सों में काट दिया। फिर इन दो हिस्सों में एक ही कलर के वायर को आधा फीट तक एक साथ जोड़कर इसे इस तरह से तैयार किया। अब दूसरी वायर को दोनों तरफ से काट के छोटा कर दिया और फिर उसे जोड़कर उसके ऊपर टेप लगा दिया। इस तरह से हम रिले से कनेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक केबल को तैयार कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे और रिले को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम भी अपलोड करेंगे।